बिन मौसम बारिश भाई साहब, बिन मौसम बारिश, और बार बार मेरे को लेंस ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को लग रहा है कि पानी सारा लेंस के ऊपर आ रहा है। तो क्या हाल है भाइयों के, सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। इंटरेस्ट मी गाइस, लाइक तुम मानोगे नहीं, एकदम से बारिश लगी और साइड में रुक के अब भी मैंने अपना जो GoPro है उसमें इलेक्ट्रिक टेप मतलब पूरा कवर करके इसको वाटर प्रूफ बनाया है। स्ट्रगल इज रियल गाइज, इतना मतलब वाहियात लग रहा है ना, आई डोंट नो कि पानी अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं सक्सेसफुल हूँ अपने प्लान में इसको वाटर प्रूफ बनाने में कि नहीं हूँ मेरे को कुछ नहीं पता है। और उससे पहले मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक टेप वगैरह था मेरा GoPro, तो पानी वगैरह लगा हुआ था। सो आई जस्ट होप गाइज कि GoPro ख़राब ना हुआ हो, मेरा माइक ख़राब ना हुआ हो। तो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स यामाहा, अभी मैं कांगड़ा में हूँ। और कांगड़ा में मैं क्यों हूँ, लेट मी टेल यू दैट। और यामाहा में क्यों जा रहा हूँ वो भी मैं तुमको भी बताऊँगा। तो कांगड़ा में मेरे को दो तीन काम थे, जैसे मेरे को पहले अपने स्टिकर कलेक्ट करने थे। अब आप पूछेंगे कि स्टिकर कौन से, तो स्टिकर भाई साहब राइड वाले। फिर मेरे को छोटा मोटा सामान लेना था, जैसे पंचर किट लेनी थी, वेट वाइप्स लेने थे मतलब फेस वगैरह साफ करने के लिए, भाई ज़रूरी है वो। और अभी मैं यामाहा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सर्विस करवानी है, तो रास्ते से मेरे को अभी इंजन ऑयल भी उठाना है। इस बार मैं सोच रहा हूँ दैट आई शुड यूज़ कैस्ट्रोल पावर वन, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। बाय द वे, जब मैं ये वाला वीडियो अपलोड करूँगा मे बी मैं निकल गया हूँगा स्पीति के लिए, आई डोंट नो संडे या मंडे को आ जाएगा ये वीडियो, बट मैं निकल गया हूँगा। टुडे इज़ फ्राइडे एंड डे आफ्टर टुमारो, मतलब संडे को सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा। सो विश मी गुड लक गाइस। रिस्क तो है वैसे, तुम देख सकते हो कभी भी बारिश लग जा रही है, कभी भी मौसम ख़राब हो जा रहा है, बट हमने भी सुने कि नाम बनता है रिस्क से, तो अब रिस्क उठा ही लेते, क्या कर सकते हैं। बाकी बारिश में मेरे को इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए, एक तो विजिबिलिटी ज़ीरो है, ऊपर से भाई टायर स्किड होगा। एंड ये मतलब मौसम को मैं क्या बोलूँ, लाइक थोड़ी थोड़ी इसने धूप निकाल के रखी हुई है और बारिश भी है। लोमड़ी की शादी करवा रहे हो भैया, शादियाँ करवा लो इनसे, इनविटेशन कोई नहीं देता हमको, धाम की क्रेविंग हो रही है यहाँ पे। अगर शादी करनी है तो धाम पे बुला ही लो भाई। मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं, आई डोंट नो यामाहा वाले मेरे को अंदर आने देंगे कि नहीं आने देंगे, बिकॉज अभी मेरे को सर्विस करवानी है और सारा का सारा मतलब गीला गीला हो गया सब कुछ। आई जस्ट होप मेरा फ़ोन जो है वो सेफ़ हो, बिकॉज वो मेरी पॉकेट में है, और गीला तो भाई फ़ोन भी हो गया, मेरे को फील आ रही है मतलब मेरी पैंट गीली हो चुकी है। वाह भाई वाह, मतलब मेरे को अभी 2 किलोमीटर नहीं हुए आगे आए हुए और बारिश रुक गई है, मतलब मेरे को गीला करना था सिर्फ, है ना। और यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है बारिश भी नहीं हुई है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सड़कें हैं भाई, मेरी किस्मत ख़राब थी। यामाहा यामाहा यामाहा, इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं हुई देख के यार यामाहा को, जितनी हाज हो रही है। 3:09 हो रही है, मतलब टाइम पे हूँ मैं, आई जस्ट होप मान जाए यार सर्विस के लिए। भाई इनका रास्ता ना मतलब स्पीति से ये कम नहीं है, मतलब एडवेंचरस इतना है ना, डर लगता है मेरे को कभी कभी कि बाइक यहाँ से मतलब मेरा अगर ब्रेक से हाथ छूटा तो मैं गया, या ब्रेक फेल हुआ तो बस, तो फिर सर्विस। यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हुई यार, पीछे इतनी बारिश हुई ना, मैं पुराने कांगड़े से। सो गाइस सर्विस तो मेरी हो चुकी है, तो सर्विस से मेरे पैसे बच गए हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइट्स लगवा लेता हूँ, बिकॉज मेरे लाइट्स भी ख़राब हैं। भाई 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 मुड़ने दो मुड़ने दो मुड़ने दो, कैस्ट्रोल पावर वन की परफॉर्मेंस अभी तो नहीं पता लग रही है। लाइट्स लगवा दो, लाइट्स लगवा दो, आगे वाली आएगी होंगी, नहीं आई है, कैसे हो? ओहो कैमरे को लगा लिया आपने, तो नहीं आई है लाइट्स,
रखी नहीं मैंने। लगा दो फिर कोई छोटी मोटी है तो, बीच में भी लगा दोगे। तो गाइस अनमोल भाई हमको लाइट दिखा रहे हैं, अनमोल भाई पहले हेलो कर दो। हेलो लकी भाई, आप भी कर दो भाई, आप भी कर ही दो फिर हेलो। तो लाइट्स दिखा दो भाई आप। अभी मैंने क्या सोचा गाइस कि नीचे वाली जो पहले लुक्स के लिए थी वहाँ पे अब तेज़ लाइट लगाऊंगा, तो अभी ट्राई करते हैं ये लाइट कैसी है। दिख जाएगा रात को इससे क्या बोलते हो? ठीक है ठीक है, तो ये वाली लगा लूँगा नीचे या इसकी जगह येलो लगाओ, येलो भी आप बोलो येलो दोनों। सो लुक्स वाइज सेम है ये, बट इसमें येलो लाइट भी है और वाइट लाइट भी है। सो गाइस ऐसी कुछ लुक है इसकी, कितनी ज़्यादा एलईडी है इसमें। तो अब लुक्स से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज रात को विजिबिलिटी चाहिए। अच्छा ऐसा है येलो, ठीक है ना। फ्लैशिंग भी है, येलो फ्लैशिंग भी है, चार मोड है। चार मोड कौन कौन से? एक नॉर्मल वाइट, एक नॉर्मल वाइट, हाँ। एक नॉर्मल येलो, एक वाइट फ्लैशिंग और एक येलो फ्लैशिंग। सर अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसी नई वाली R&Y V4 आ रही है उसमें बीच में है प्रोजेक्टर, वैसा मैं ट्राई कर लूँ लगाने का, अगर लग जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली जो लाइट है वो मैं लगाने की सोच रहा हूँ, इसमें रिंग नहीं है। रिंग भी अच्छा ऐसी कुछ रिंग है भाई, सुंदर है, बीच में रेड भी है। तो बस ये फाइनल कर दो, ये लगा लेते हैं बीच में। पड़ेगी भैया 650 रुपये की, पहले बताइए थोड़ा ज़ोर से बोले लोगों को सुनाएंगे। तो 650 रुपये की है ये जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली ना, और ये वाली पड़ती है पेयर 1100 रुपये। अच्छा पेयर 1100 रुपये। सो गाइस जो नीचे वाले प्रोजेक्टर थे वो तो खोल दिए, और जो बीच वाला मिशन है वो भी लक्की भाई करेंगे हमारे। मैंने इनका पहले पूछा था ये वाला प्लास्टिक काटना तो नहीं, नहीं काटना, ठीक तो है। हाँ हाँ बढ़िया, और ये बताओ बीच में लगाओगे कैसे, लोगों को बताओ। देखना पड़ेगा क्या बनता है, लग जाएगा ना, लग जाएगा, देखते हैं कैसे लगता है बीच में लग के। सो गाइस दिस इज़ समथिंग बाइक लुक्स लाइक आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलेशन, और मेरे को तो बढ़िया लग रही है, बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कि तुमको कैसी लग रही है। भाई 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 एक बार वो लाइट लगा दो नीचे वाली। तो चार मोड से इसमें, अगर हम हाई बीम करेंगे तो बीच वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी, जो वाइट वाली या रिंग वाली, इसको बंद ही रहने दो, नीचे वाली वो नीचे वाली चला दो दो। अब इसमें एक वाइट वाला मोड है, एक येलो है, एक वाइट फ्लैशिंग वाला है और एक येलो फ्लैशिंग वाला है। कर दो बंद, वैसे चलान भी है ना इसका, बंद कर दो बंद। तब निकलता हूँ गाइस, थैंक यू अनमोल भाई, चलो भाई थैंक यू, थैंक यू भाई लक्की भाई। सो गाइस टाइम टू लीव दिस प्लेस, 32,525। कैसे हो? बस ठीक, आप बताओ। सो गाइस अभी अभी सर्विस भी करवाई थी, सो आई वाज थिंकिंग कि इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट भी कर ही लेता हूँ कि जो हमारा कैस्ट्रोल पावर वन है उसने पावर दी भी है कि सिर्फ नाम का पावर वन है। भाई सर्विस के बाद एक बात अच्छी हो जाती है कि स्मूथ हो जाती है बाइक। भाई 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 मैं यहाँ पे सोच रहा था कि बाइक को थोड़ा पेलूँगा और यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। आई थिंक मैं भी निकल सकता हूँ। अरे भाई 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 हर जगह से तुम ही आ रहे हो, फिर हम कहाँ से जाएं? बस एक स्ट्रेच करूँगा मैं और फिर घर को निकल जाऊँगा, बिकॉज मैं बड़ी देर से घर के बाहर हूँ, पहले सर्विस करवा रहा था उसके बाद ये वाला काम करवा रहा था।
की स्मूथ शिफ्टिंग। भाई साहब इसको पिकअप, आ जाओ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी ड्राइविंग है आपकी। ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा पिकअप है, बहुत ही ज़्यादा पिकअप है यार। आई डोंट नो ये कैस्ट्रॉल पावर वन की वजह से या फिर सर्विस की वजह से, बट ट्रस्ट मी, मेरे को पावर डिफरेंस फील हो रहा है। और जो स्मूथनेस है गियर शिफ्टिंग में वो तो भाई फिर है ही। यहाँ से हमको जाना है वापस, फिर से स्ट्रेच करूँगा। अमेजिंग परफॉर्मेंस गाइज, अमेजिंग। अभी जो कैस्ट्रॉल पावर वन है उसका जो रिव्यू है वो मैं आपको मतलब जैसे जैसे बाइक चलाऊंगा वैसे वैसे दूंगा, बट अभी के लिए मेरे को बढ़िया लग रहा है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइज। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और इसके बाद थोड़ा सा वीडियोज़ लेट आएंगे बिकॉज मैं स्पीति निकल रहा हूँ, तो आकर ही मतलब वीडियोज़ अपलोड करूँगा, मतलब टॉप नोच की एडिटिंग भी तो देनी है, मतलब टाइम पास थोड़ी ना करना है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, वो भी स्पीति राइड की।